सब्सक्राइब करें रवनी इन्फोटेक को और बेल के आइकन को प्रेस करें हमारे वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं रवनी इन्फोटेक। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूं टॉप 5 हैकिंग एप्लीकेशन। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए जल्दी से देख लेते हैं। जो पहला एप्लीकेशन हमारे पास है वो है व्हाट्सएप स्निफर। व्हाट्सएप स्निफर के हेल्प से अगर आप और आपका फ्रेंड का मोबाइल एक ही वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड है तो आप उस पर्सन का व्हाट्सएप स्टेटस, फोटोज, वीडियोस आप आसानी से देख सकते हैं। बाद का जो एप्लीकेशन है वो है इविल ऑपरेटर। तो अगर आप इविल ऑपरेटर डाउनलोड करते हैं तो आप दो दोस्तों को फ़ोन पर एंगेज करवा सकते हैं और उन दोनों को लगेगा कि एक दूसरे ने फ़ोन किया है, और साथ ही साथ आप इसका वॉइस कॉल भी रिकॉर्ड कर सकते हैं प्रैंक करने के लिए। नेक्स्ट एप्लीकेशन है, उसका नाम है यूएसबी क्लेवर। तो ये एप्लीकेशन काम ऐसा करता है कि जब आप अपने फ़ोन को लैपटॉप से या फिर अपने फ्रेंड के लैपटॉप से कनेक्ट करते हैं तो वो उस लैपटॉप का पासवर्ड और जो भी इम्पोर्टेंट फाइल्स हैं वो सब आपके फ़ोन के एसडी कार्ड में लॉग फाइल में सेव कर देता है। तो बाद में अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप अपने फ़ोन में जाकर एसडी कार्ड में लॉग फाइल में पासवर्ड जो भी इम्पोर्टेंट फाइल्स हैं उसको आप देख सकते हैं डिटेल्स में। जो नेक्स्ट ऐप है वो है स्पूफ ऐप। तो स्पूफ ऐप के हेल्प से आप कर क्या सकते हैं, आप किसी अपने फ्रेंड को या फिर आपके रिलेटिव को आप फ़ोन कर सकते हैं और इसमें नंबर वही शो करेगा जो आप शो कराना चाहते हैं। मान लीजिए आप इंडिया में रहते हैं और आप नंबर शो कराना चाहते हैं इंग्लैंड का, पाकिस्तान का, या फिर कुछ भी रैंडम क्लिक करके आप जो नंबर शो करवाना चाहते हैं वो नंबर ही शो करेगा, लेकिन नंबर आपका रहेगा। तो ये प्रैंक करने के लिए एक अच्छा एप्लीकेशन हो सकता है। आखिरी एप्लीकेशन है वो है एंड्रॉयड डंपर। एंड्रॉयड डंपर एक वाईफाई हैकिंग एप्लीकेशन है जो कि कस्टम पिन के हेल्प से वाईफाई को हैक करता है और ये नॉन रूटेड डिवाइस में भी सपोर्ट करता है, लेकिन सारे केस में ये वाईफाई को हैक नहीं कर पाता है। तो इसमें आप WPS कनेक्ट को भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये मेरा दूसरा ऐप है और ये है रूटेड डिवाइस आपका है तो इसमें ये आपका काम कर जाएगा और लगभग इन दोनों ऐप से आपके सारे वाईफाई डिवाइसेस हैक हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे सारे एप्लीकेशन पसंद आए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को ऐसे ही देखते रहिए।